हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में एक नया फॉर्मूला सीखते हैं और वो फॉर्मूला है इनस्ट्रिंग का। ये इनस्ट्रिंग करता क्या है? इनस्ट्रिंग आपको किसी भी कैरेक्टर अल्फाबेट या ब्रैकेट की पोजीशन आपको निकाल करके दे देता है और ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में होता है। जैसे स्ट्रिंग फॉर्मूला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में काम करता है, तो इसको कैसे करेंगे आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन कर लेता हूं यहां से, और यहां से ओपन कर लिया हमने, ब्लैंक डेटाबेस पे जाएंगे और ब्लैंक डेटाबेस पर जाने के बाद यहां पर क्रिएट पर क्लिक करेंगे और क्रिएट पर क्लिक करने के बाद यहां से व्यू पे जाएंगे, फिर डिजाइन व्यू पे जाएंगे और यहां पर मैं दे देता हूं इनस्ट्रिंग। चूंकि हम यही फॉर्मूला सीखने वाले हैं तो स्ट्रिंग इनस्ट्रिंग दे दिया हमने। अब इसको मैं आईडी ही रहने देता हूं, यहां पर लिखता हूं नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, और यहां पर रखूंगा टेक्स्ट डेटा टाइप, ठीक है, और यहां से मैं व्यू पे क्लिक करूंगा और फिर यहां से यस करूंगा तो यहां इस तरह से हमारे सामने ये खुल करके आ जाएगा। अब चूंकि हमने यहाँ पे ऑटो नंबर लिया था तो ये इंक्रीमेंट करते हुए यहाँ पे नंबर्स लेके आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं नाम लिखता हूं राम कुमार सिंह, ठीक है, ये लिख दिया हमने, और फिर यहां पर दूसरा नाम लिखूंगा अवनीश। अब यहां पे लगा दिया मैंने ब्रैकेट, देखिए यहां पे मैं क्या लगा रहा हूं, ब्रैकेट लगा रहा हूं, ओपन किया ब्रैकेट फिर क्लोज किया ब्रैकेट, यानी एक राइट ब्रैकेट और एक लेफ्ट ब्रैकेट, यानी एक ओपन ब्रैकेट और एक क्लोज ब्रैकेट। तो अविनाश लिख दिया और यहां पे लिख दिया सिंह, ठीक है, तो ये लिख दिया हमने। फिर यहां पर आए और यहां पर क्या लिखेंगे, सोनू, अब यहां पर देखिए स्मॉल शर्मा, तो एस एच ए आर। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, एक ब्रैकेट लगा देता हूं, ठीक है, फिर लिखता हूं एम ए, ओके, तो ये हमने कर दिया, ठीक है, इस तरह से हमने इसको कर दिया। और यहां पे ये ब्रैकेट जो है ओपन और क्लोज यहां बीच में करेंगे हम, तो ये हमने कर दिया। अब हमको ये पता करना है कि अब देखिए राम जो है, राम में कितने कैरेक्टर है, तीन कैरेक्टर है, ऑब्वियस सी बात है, तो यहां पे चौथा कैरेक्टर जो है स्पेस है, यानी कि चौथा कैरेक्टर राम का अगर पता करना है तो वो स्पेस है, पांचवा कैरेक्टर क्या है के है, छठवा कैरेक्टर क्या है यू है। तो इसको पता करने के लिए हम इन स्ट्रिंग फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको यूज, चलते हैं क्रिएट पे, चलते हैं क्वेरी डिजाइन पे और यहां पर इन स्ट्रिंग को पहले ऐड करवा देते हैं। तो ये ऐड करवा दिया हमने और आईडी और नेम ऑफ स्टूडेंट को ले लेते हैं, ठीक है। यहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे इन स्ट्रिंग, तो मैं यहां लिखता हूं इन स्ट्रिंग, ठीक है। तो इन स्ट्रिंग फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, देखिए यहां पर आपको सिर्फ लिखना है आई एन एस TR, बस इतना ही आपको लिखना है, बाकी कुछ आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कैरेक्टर की पोजीशन पहले पता करके देखेंगे। तो यहां मैं लिखता हूं, ये इनस्ट्रिंग फॉर्मूला पहले लगा लिया हमने, इसको हटा देते हैं, यहां लिखता हूं कैरेक्टर CHAR पोजीशन, ठीक है, और यहां लगा देंगे कोलन, कोलन लगा दिया हमने। थोड़ा इसको जूम व्यू पे लेता हूं तो आपको बेहतर तरीके से यह पता चल पाएगा कि यह है, और अब हम देख पाएंगे कि इसको हम कैसे कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर लगाएंगे इन स्ट्रिंग फॉर्मूला, तो यहां लिखा इन एस टी आर इन स्ट्रिंग लगा लिया हमने, यहां पे लगाएंगे स्मॉल ब्रैकेट और यहां पे लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अब हमको करना क्या है, देखिए यहां पे लिखना है नेम ऑफ स्टूडेंट, तो जैसा मैंने लिखा है उसी फॉर्मेट में आप लिखिएगा, स्मॉल कैपिटल का ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है। यहां पर करेंगे ब्रैकेट को क्लोज, क्लोज कर दिया, अब यहां पर कॉमा देंगे, ठीक है, हमें किसकी पोजीशन पता करनी है। अगर सपोज कीजिए आपको ब्रैकेट की पोजीशन पता करनी है तो ब्रैकेट पोजीशन हम जान पाएंगे, लेकिन अभी हमें कैरेक्टर की पोजीशन पता करनी है तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक कैरेक्टर डबल एटेड कॉमा में लिखेंगे। जैसे हमें पता करनी है, अभी यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर कोई नाम हमने दिया होगा, जैसे राम कुमार दिया था, तो जैसे मान लीजिए कि हमें एम का पता करना है कि ये एम जो है कितने नंबर पर लिखा हुआ है, तो यहां एम डबल एटेड कॉमा में लिखा और इसको किया ब्रैकेट को क्लोज, ठीक है, तो ये अब ब्रैकेट क्लोज भी हो गया हमारा। अब यहां से ओके प्रेस करेंगे, ठीक है, तो ओके प्रेस किया और यहां से रन पर क्लिक करेंगे तो यहां पे देख सकते हैं आप ये कैरेक्टर की पोजीशन बता रहा है, ठीक है। अब एम तो सेकंड वाले में है नहीं तो इसमें कैरेक्टर की पोजीशन ये बता नहीं रहा है, तो अगर एम हो जाए तब क्या होगा, यहां पर देखता हूं एम लिखता हूं तो देखते हैं क्या होता है। यहां पर एम लिखा हमने और जैसे ही एंटर किया तो ये बता रहा है ये एट नंबर पोजिशन पे, आइए देखते हैं एट नंबर पोजिशन पे है या नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बिल्कुल सही, ये 8 नंबर पोजीशन पे है। आइए एक दूसरी क्वेरी बनाते हैं, यहां से गए क्वेरी डिजाइन पे गए और इसी को हम यहां से ऐड करवा लेते हैं
और अब हम दूसरी क्वेरी बनाने वाले हैं जिसमें हम ब्रैकेट की पोजीशन पता करके देखेंगे कि ब्रैकेट की पोजीशन हम कैसे पता कर सकते हैं। तो यहां मैं लिखता हूं br pos यानी ब्रैकेट पोजीशन। ओके, अब यहां पर क्या करना है आपको, इनस्ट्रिंग फार्मूला लगाना है। ठीक है, लगा दिया, स्मॉल ब्रैकेट बनाया, स्क्वायर ब्रैकेट बनाया। अब यहां पर नेम ऑफ स्टूडेंट जो है इसमें हमें ब्रैकेट की पोजीशन पता करनी है, तो नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा हमने इजीली। ठीक है, तो नेम ऑफ स्टूडेंट लिखने के बाद इसको करेंगे क्लोज और यहां देंगे कॉमा। अब सपोज कीजिए हमें लेफ्ट ब्रैकेट की पोजीशन पता करनी है या राइट ब्रैकेट की, जिसकी भी पता करनी है। जैसे सपोज कीजिए मैं यहां पर राइट ब्रैकेट लेता हूं, तो इसको डबल कोटेड कॉमा में आप लिख दीजिए, यहां पर राइट ब्रैकेट हो गया ये, यानी कि ये क्लोज ब्रैकेट है। और इसके बाद आपको करना है इसको क्लोज, और क्लोज करने के बाद यहां ओके प्रेस करेंगे और यहां पर करेंगे रन पर क्लिक। तो ये बता रहा है कि राइट ब्रैकेट जो है पोजीशन नंबर 10 पे है। ठीक है, तो यहां पे देख सकते हैं ये वाला जो ब्रैकेट है इधर, ये राइट वाला ब्रैकेट है हमारा। तो अब इसकी पोजीशन जानते हैं, यहां हम बाएं साइड से कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये स्पेस 8 है और ये ओपन ब्रैकेट 9 है और ये क्लोज ब्रैकेट 10 है, तो यानी 10 नंबर पोजीशन पे ये है। आइए चलिए यहां पे नाम लिखते हैं और भी, जैसे मैं लिखता हूं ईश्वर, ठीक है, और यहां पे लगाता हूं ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज नाथ, यहां लिखा नाथ, और यहां पे देखिए ये 8 नंबर पोजीशन पे है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको ओपन ब्रैकेट का पोजीशन पता करना है तो वापस चलेंगे क्रिएट में, क्वेरी डिजाइन में जाएंगे, यहां से यहां पे गए हम क्वेरी डिजाइन में, और क्वेरी डिजाइन में जाने के बाद ऐड करवाएंगे इसको, और ऐड करवाने के बाद आईडी और यहां पे नेम ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो ये लिख लिया हमने, और उसके बाद यहां पे जूम व्यू पे ले लेंगे इसको। ठीक है, और यहां पे लगाएंगे कोलन। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनस्ट्रिंग फार्मूला लगाएंगे यहां पे। तो इनस्ट्रिंग फार्मूला हमने लगा लिया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, और यहां पर क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे, यहां पर देंगे क्या, देखिए इसको यहां पे नहीं लगाना है, हम कहां जाएंगे, यहां पर आएंगे और राइट क्लिक करेंगे, जूम व्यू पे ले लेते हैं इसको। सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं कि हमें क्या पता करना है। ठीक है, तो पहले हमने राइट पोजीशन पता किया, अब यहां पे लेफ्ट पोजीशन, तो लेफ्ट पॉज करता हूं मैं और यहां पे कोलन लगा दीजिए आप। ठीक है, और अब लगाएंगे इन स्ट्रिंग फॉर्मूला। ठीक है, और यहां पर स्मॉल ब्रैकेट और यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट, तो नेम ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे, नेम ऑफ स्टूडेंट, ओके, इसको करेंगे क्लोज, कॉमा देंगे, और क्या करना है हमें, हमें लेफ्ट वाले ब्रैकेट का पोजीशन पता करना है, तो यहां पर डबल कोटेड कोट्स में लेफ्ट वाला ब्रैकेट बनाएंगे, डबल कोटेड कोट्स क्लोज करेंगे और स्मॉल ब्रैकेट को भी क्लोज करेंगे, और उसके बाद ओके प्रेस करेंगे, यहां से रन पर क्लिक करेंगे। तो यहां पे देख सकते हैं 9 नंबर पे ये दिखा रहा है, यहां पर कोई कुछ शो नहीं हो रहा है क्योंकि यहां पे हमने ब्रैकेट बनाया नहीं है, दैट्स व्हाई यहां पे कुछ शो भी नहीं हो रहा। अगर शो कराना चाहते हैं तो यहां पर हम क्वेरी में जाकर के यहां से और एक ही बार में सब कुछ लगा सकते हैं, जैसे यहां लेफ्ट पोजीशन हमने पता किया, यहां पे कर सकते हैं राइट पोजीशन, RIGST राइट, पॉज कर देता हूं मैं, कोलन लगाता हूं और यहां से करूंगा इसको जूम व्यू पे लूंगा, तो ये ले लिया हमने जूम व्यू पे, और अब हमें यहां पे फॉर्मूला लगाना है इन स्ट्रिंग का, तो INSTR इन स्ट्रिंग लगाया हमने, और इन स्ट्रिंग लगाने के बाद यहां पे स्मॉल ब्रैकेट बनाया, स्क्वायर ब्रैकेट बनाया। ठीक है, और उसके बाद करना क्या है हमें, यहां पे लिखना है नेम ऑफ स्टूडेंट, यही हमारा टाइटल है, तो नेम ऑफ स्टूडेंट, ओके, इसको लिखने के बाद ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, और क्लोज करने के बाद कॉमा देंगे। ठीक है, अभी तक हम लेफ्ट ब्रैकेट का पोजीशन पता कर पा रहे थे, अब हम राइट ब्रैकेट का पोजीशन पता करेंगे। ठीक है, तो राइट ब्रैकेट का पोजीशन यानी राइट वाला ब्रैकेट भी हमें बनाना होगा, तो ये राइट वाला ब्रैकेट हमने बना दिया और यहां से किया इसको क्लोज, अब ये राइट ब्रैकेट का पोजीशन हमें बताएगा। अब इसको जैसे ही रन करेंगे तो राइट ब्रैकेट का भी पोजीशन हमारे सामने है। ठीक है, यहां पर सपोज कीजिए ब्रैकेट नहीं बना हुआ है, तो अभी हम यहां पे लेफ्ट और राइट दोनों ब्रैकेट बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने बनाया लेफ्ट ब्रैकेट, और अगर यहां पर हम ब्रैकेट लगाते हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो यहां पे लेफ्ट और राइट दोनों का पोजीशन हमारे सामने है, लेफ्ट ब्रैकेट जो है 10 नंबर पे है और राइट ब्रैकेट जो है 17 नंबर पे है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हम पता कर सकते हैं डिजाइन व्यू पे, और यहीं पर हम दे सकते हैं, यहां से जूम व्यू पे लिया हमने, हमने अलग से बना लिया है, तो हम यहां पे लिखते हैं कैरेक्टर पोजीशन, ओके, और यहां से
कोलन लगाएंगे और फिर यहां पे इनस्ट्रिंग फंक्शन लगाएंगे, ठीक है, इनस्ट्रिंग किया हमने, और यहां पे स्मॉल ब्रैकेट फिर स्क्वायर ब्रैकेट, नेम ऑफ स्टूडेंट करना है हमें, नेम ऑफ स्टूडेंट, ओके, और यहां से करना स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज, कॉमा देना है। अब जो भी आपको कैरेक्टर चाहिए वो कैरेक्टर ले सकते हैं, जैसे मैं अगर ए लेना चाहता हूं तो ए की पोजीशन ये बताएगा, तो यहां पे हमने क्लोज किया इसको और ओके प्रेस किया और यहां से इसको किया रन पे क्लिक, तो यहां पे देखिए ए की पोजीशन सेकंड नंबर की है और यहां पर जो ए की पोजीशन है वो फर्स्ट नंबर की आ रही है, ठीक है, इसके बाद भी ए की पोजीशन यहां पर है तो वो अभी उसको हम बाद में समझेंगे कि वो कैसे पता कर पाएंगे, लेकिन ये अभी लेफ्ट साइड से ए की पोजीशन बता रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि इन स्ट्रिंग फॉर्मूले का यूज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो समझ में आए तो इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।